जल अग्नि और धेनु इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर धेनु। धेनु मतलब गाय। इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए और पकवान 56 भोग बनना चाहिए। पर उसमें ना जल मिले, ना वो अग्नि में तपा हुआ हो और ना वो गाय के दूध से या धेनु से निर्मित किया। दुर्वासा जी जैसे ही बोले, राम जी सोच में पड़ गए, वैसा भोजन कौन सा जो बिना अग्नि में तपे कैसे दे दो। और 56 भोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करकर मैं पूजन करूंगा, पर मेरे पूजन में वो फूल चाहिए जो अयोध्या के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। उस फूल पर अवध वासियों की कोई की दृष्टि ना पड़ी।